ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां पे शतरंज की विशाल गोटियां रखी हुई है जिससे भीम और घटोत्कच शतरंज खेलते थे। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां महाभारत काल की विरासत आज भी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। यह जगह है भारत की पूर्वोत्तर में स्थित राज्य नागालैंड का एक शहर दीमापुर, जिसको कभी हिडिंबापुर के नाम से जाना जाता था। इस जगह महाभारत काल में हिडिंब राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहा करते थे। यहीं पर हिडिंब ने भीम से विवाह किया था। हिडिंबा ने यहां बहुलता में रहने वाले दिमाशा जनजाति खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानती है। यहां आज भी हिडिंबा का वाड़ा है जहां राजवाड़ी में स्थित शतरंज की ऊंची ऊंची गोटियां पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। इनमें से कुछ अब टूट चुकी है। यहाँ के निवासियों की मान्यता है कि इन गोटियों से भीम और उसका पुत्र घटोत्कच शतरंज खेलते थे। इस जगह पांडवों ने अपने वनवास का काफी समय व्यतीत किया था। महाभारत की कथा के अनुसार वनवास काल में जब पांडवों का घर षड्यंत्र के तहत जला दिया गया तो वे वहां से भागकर एक दूसरे वन में गए जहां हिडिंब राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। एक दिन हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को वन में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा। वन में हिडिंबा को भीम दिखा जो कि अपने सोए हुए परिवार की रक्षा के लिए पहरा दे रहा था। राक्षसी हिडिंबा को भीम पसंद आ जाता है और वो उसे प्रेम करने लगती है। इस कारण उन सबको जीवित छोड़कर वापस आ जाती है। लेकिन यह बात उसके भाई हिडिंब को पसंद नहीं आती है और वो पांडवों पर हमला कर देता है। लड़ाई में हिडिंब भीम के हाथों मारा जाता है। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा पांडु की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। बोलती है, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राण को त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूं, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहेगा और रात्रि में हम लोग के साथ रहा करेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। एक वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश मतलब उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वो अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्रों को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह भाई अपनी आपके भाई की संतान है, अतः यह आप सबकी सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग की सेवाएं बताए। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोग की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। इसी घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए वीरगति पाई थी। हिडिंब का शहर दीमापुर प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक शहर भी है। दीमापुर नाम का एक और अर्थ भी निकलता है। यह तीन शब्दों में दी मा और पुर से मिलकर बना है। कचारी भाषा के अनुसार दी का अर्थ होता है नदी, मा का अर्थ होता है महान और पुर का अर्थ होता है शहर। यहां पर कचारी शासन काल में बने मंदिर, तालाब और किले देखे जा सकते हैं। इनमें राजपुखुरी, पदम पुखुरी, बामन पुखुरी और जोरू पुखुरी आदि प्रमुख है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की थी, पर पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंप कर वो वर्तमान हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में आ गई थी। कहते हैं इसी स्थान पर उनका राजकीय योनि से दैवीय योनि में रूपांतरण हुआ था। मनाली में ही देवी हिडिंबा का एक मंदिर बना हुआ है।
जो कि कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है जिसे देवी का स्थान माना जाता है। इसी चट्टान पर देवी हिडम्बा के पैरों के विशाल चिन्ह मौजूद हैं। चट्टान को स्थानीय बोली में डुंग कहते हैं, इसलिए देवी को डुंगरी देवी कहा जाता है। देवी को ग्राम देवी के रूप में पूजा जाता है। इस चट्टान के ऊपर लकड़ी के मंदिर का निर्माण 1553 में किया गया था। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।